नमस्कार दोस्तों, सलाम दोस्तों, मैं हूं आर राजे, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी, कैसा है तुम्हें सरोजन, सब खैरियत है ना? ऑलमोस्ट 5 डेज के बाद हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि संडे को मेरा वीडियो आएगा, संडे स्पेशल वीडियो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं आ पाया, तो संडे का वीडियो मैं आज बना रहा हूं। आज है मंडे, लेकिन आज के दिन मैं बनाने जा रहा हूं संडे स्पेशल वीडियो, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं दूंगा जवाब। तो मेरे आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से पूछा था एक सवाल कि बताइए आज के दिन कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनमें से 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। उन 3 दोस्तों के ये रहे नाम, जिन्होंने बहुत सही आंसर दिया है जो मैंने सवाल पूछा था। तो ये रहा उसका जवाब और ये रहे उनके नाम। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तीनों ने बहुत सही जवाब दिया है, आप तीनों को मेरी तरफ से। दोस्तों अब आते हैं सवालों पे। तो पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो ये पूछा गया कि सर मेरी सिस एमआर बनना चाहती है, क्या वो एमआर बन सकती है और क्या मार्केटिंग में उसे बाहर भी जाना पड़ेगा? तो दोस्त क्या होता है कि गर्ल्स कैन ज्वाइन द एमआर फील्ड, लड़कियां एमआर जॉब कर सकती हैं और करती भी हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां हैं जो बाहर भेजती हैं वर्किंग के लिए, बाहर इन द सेंस एक्सटेशन, ओके नॉट आउट स्टेशन। लेकिन कल को अगर आपकी सिस्टर एरिया मैनेजर बन जाएंगी एपीएम, तो चांसेस है उनको बाहर जाना पड़े, बाहर होटलों में रुकना पड़े, बहुत कम चांसेस हैं। अमूमन क्या होता है कि लोकल एरिया में ही काम करना पड़ता है, जो बंदे होंगे उनको हैंडल करना पड़ेगा। मैं यहां बात कर रहा हूं एरिया मैनेजर बनने के बाद की। लेकिन अगर वो एमआर बनेंगे स्टार्ट में, तो उनको क्या होगा कि वहां का लोकल एरिया करना पड़ेगा और एक्सटेंशन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि कंपनी बाहर भेजे, बहुत ही कम चांसेस है कि कंपनी बाहर भेजे वर्किंग के लिए आउटस्टेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जिस किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे ये बात क्लियर कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि आपका एरिया कौन कौन से होंगे। तो इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जॉब सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, नो नीड टू वरी। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सर मैं डी फार्म कंप्लीट करने वाला हूं और मैं चाहता हूं एमआर बनना, लेकिन कुछ दोस्त बोलते हैं कि अगर तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो फ्यूचर अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद सैलरी बहुत ही बढ़ती है और आप जल्द से जल्द एरिया मैनेजर बन जाएंगे। और मुझे सर इसका प्लीज रिप्लाई दीजिए कि मैं क्या करूं, क्या ये सच है? दोस्त कैसा है कि एमएनसी कंपनियां बीफॉर्म को लेती हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, ना। ये डिपेंड होता है इंटरव्यू के ऊपर, आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। बी फार्म के बंदे अगर उनको कम्युनिकेशन उनका नहीं रहेगा, अगर उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रहेगा, इंग्लिश प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे, तो वो कैसे ग्रो करेंगे, नहीं ग्रो कर पाएंगे। वही अगर डी फार्मेसी का बंदा है, नॉलेज स्ट्रांग है, प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग है, सब कुछ सही है, तो वो बंदा एरिया मैनेजर आरएसएम और सैलरी जो बाकी लोगों को मिलती है वो सैलरी मिलती है। और बाद में क्या होता है दोस्तों, पता है सारा खेल होता है एक्सपीरियंस का, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो एमएनसी कंपनी, मतलब 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एमएनसी कंपनी भी लेती है डी फार्म के बंदों को, क्या आपको ये पता है? तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन, अपना इंग्लिश स्ट्रांग रखें, प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाइए, तो आपको ग्रोथ जल्दी मिल जाएगी। ये नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, ना, प्रमोशन मिलने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या वही चांसेस यहाँ पे डी फार्म और डिप्लोमा के बंदों को भी है। लेकिन ये मैटर करता है कि आपका भैया प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है क्या। मुझे एक मैसेज आया था कि वी रिक्वायर्ड एज ए एबीएम, हमको एक एबीएम चाहिए, लेकिन उन्हें क्या रखे थे क्लॉज कि एबीएम का प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एरिया का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कमान होनी चाहिए और टीम हैंडलिंग, ये सारी चीज में मेंशन की हुई थी। अगर बंदा उन चीजों में परफेक्ट बैठेगा तो कंपनी उनको ले लेगी, ना। पता लगा कि वो बंदा इस चीजों में परफेक्ट नहीं है तो कंपनी नहीं लेती है। दोस्तों अगला मुझे मैसेज आया हुआ है कि सर थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाई। दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं रिप्लाई करता हूं, करूंगा और करता रहूंगा, तो आप इसका बिल्कुल भी टेंशन ना ले दोस्तों, मुझे बेधड़क बेझिझक कर दीजिए मैसेज, डाल दीजिए कमेंट्स में आपके जो भी हो, आपके कंफ्यूजन डाल दीजिए मुझे, मैं उसका रिप्लाई करता हूं, करता रहूंगा। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर मैं 2 इंटरव्यू दे चुका हूं और बोलते हैं कि कॉल करेंगे, लेकिन बाद में कॉल नहीं आता है। दोस्तों क्या होता है कि अगर वो बोलते हैं कॉल करेंगे तो डाउट है, चांसेस कम है आपका सिलेक्शन हुआ होगा, आपका चांसेस नहीं हुआ है, इसीलिए वो बोलते हैं कि कॉल करेंगे। लेकिन आप एक बार उनसे कॉल करके पूछ लीजिए कि सर क्या हुआ, आपने कहा था कि कॉल करेंगे, आपका कॉल नहीं आया, इसीलिए मैंने कॉल किया, सर मुझे बताएंगे सर प्लीज क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, तो वो आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो किस कारण की वजह से नहीं हुआ है, वो आप उनसे जरूर पूछिएगा। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया कि सर एमआर जॉब में कमीशन भी मिलता है क्या इंसेंटिव के अलावा? दोस्त इंसेंटिव ही खाली मिलता है, कमीशन कुछ नहीं मिलता है, इंसेंटिव मिलता है वो भी क्वार्टरली,
मिलता है और कुछ कुछ कंपनी में ईयरली मिलता है। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया कि सर मेरे पास स्कूटी है तो क्या मैं एमआर जॉब ज्वाइन कर पाऊंगा, क्या कंपनी मुझे ले लेगी। दोस्तों यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, बस आपके पास होनी चाहिए गाड़ी, बस ये मैटर करता है यहाँ पे। अगर आपके पास स्कूटी है तो आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास स्कूटी है तो आप काम कर सकते हैं और कंपनी आपको ले लेगी। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर मैं एमआर के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्त मैं आपसे पूछना भूल गया कि आप किस तरह का ट्राई कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, किस कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, आपने क्या उनमें से कुछ सीखा, कहां पे प्रॉब्लम आया, क्या ये सब बातें आपने उस जिन्होंने इंटरव्यू लिया उनसे पूछी क्या, तब आपको आइडिया आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पे है, आपको उनसे मिल जाएगी आइडिया। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि भाई फ्रेशर हूं, 10 दिन ज्वाइन किए हुए हैं, सेल नहीं हो रहा है, कोई आइडिया दें। तो मैंने उनसे बात की, मैंने सब बताया। तो दोस्तों होता कैसा है कि मैं उन लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं और कंपनी छोड़ देते हैं क्योंकि इनको डॉक्टर लिस्ट मिली ही नहीं। मैंने इनसे बात की, मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको डॉक्टर लिस्ट मिली, तो इनको डॉक्टर लिस्ट दी ही नहीं गई। तो मैंने उनको बताया कि अपने एरिया मैनेजर से लिस्ट लीजिए। तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एरिया मैनेजर से कि अगर कोई बंदा कंपनी छोड़ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कंपनी छोड़ने वाला है, लेकिन जो भी बंदे कंपनी छोड़ते हैं तो प्लीज जो न्यू बंदे आते हैं, जो कंपनी ज्वाइन करते हैं, न्यू एमआर आते हैं, तो उनको प्लीज डॉक्टर लिस्ट दे दिया करें। इससे क्या होता है, उनको परेशानी होती है डॉक्टर सर्च करने में, भाई आपको कुछ बिगड़ नहीं जाएगा कि अगर आप कंपनी छोड़ते भी है ना तो जो डॉक्टर लिस्ट होगी वो आप उस कंपनी के नए एमआर को दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे स्ट्रांग रिक्वेस्ट करूंगा एरिया मैनेजर से, जो एरिया मैनेजर होते हैं, प्लीज जो बंदे छोड़ के जाते हैं या फिर जो आपके पास बंदे हैं उनकी डॉक्टर लिस्ट अपने पास मेंटेन रखें, कोई कल को अगर कोई नया बंदा आता भी है तो आप उनको वो डॉक्टर लिस्ट प्रोवाइड कर सके। इससे क्या होगा कि उनको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा डॉक्टर लिस्ट। बहुत से एरिया मैनेजर सारा डाटा मेंटेन करते हैं, मुझे पता है। इन्होंने लिस्ट मांगी, इन्होंने उस एमआर से लिस्ट मांगी जिन्होंने कंपनी छोड़ दी थी, उन्होंने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब कभी भी आप कंपनी चेंज करें तो जो नया एमआर आता है अगर वो आपसे लिस्ट मांगते हैं तो उनको प्लीज लिस्ट दे दिया करें। इनसे क्या हुआ, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी एरिया सर्च करने में, उनको आइडिया आ जाएगी कौन से डॉक्टर लिख रहे थे ब्रांड या फिर नहीं लिख रहे थे ब्रांड, वो सब कुछ उनको आइडिया आ जाएगी, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कहीं भी काम करें, कैसे भी काम करें, हर चीज के साथ प्रॉपर वे में काम करें। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर पैकेज से पीएफ कटता है क्या। दोस्तों बराबर है, पैकेज अगर आपका मान लीजिए 15,000 है तो उसी में से आपका पीएफ कटता है, टैक्स कटता है, तो ये सारी चीजें कट के आपके हाथ में सैलरी आएगी कुछ 13,500 जो भी आएगी वो आप देख लीजिएगा। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है वो कितना कट करते हैं, और उतना सैलरी कटने के बाद आपको हाथ में इन हैंड सैलरी जो आएगी वो आपको मिलेगी। और अगर आपका पीएफ कट रहा है तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो आपको कंपनी छोड़ने के बाद मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको सारे सवालों का मिल गया होगा जवाब, जितने मुझसे पूछे गए थे सवाल मैंने उनका दे दिया है जवाब। अगर आपके मन में अभी भी चल रहा है कुछ सवाल या फिर कुछ डाउट तो मुझे प्लीज डाल दीजिए कमेंट्स में, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, करता हूं और करता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।